कहने को तो आजकल हजारों गुरु संसार में आ गए, किसी के कहने से कोई गुरु नहीं और किसी को मान भी लेने से वो गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ बहुत ही बड़ा, इसको समझ लेना चाहिए। आज इसी पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ ही यह है कि जो हमसे बड़ा, जो हमसे ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जैसे ऊंचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मात नीचे उतर आता है, वो अपनी सतह को ढूंढने के लिए, अपनी सतह पे सबको लाने के लिए हमेशा लालायित है। आप पानी को किसी ऊंचाई पे रख दीजिए, वो चाहेगा कि उसी ऊंचाई पे सबको उठाए। यही गुरु का अर्थ। ऐसा जो नहीं तो गुरु होने, हमसे ऊंचा वो हर मामले में होना, एक ही मामले में नहीं। इसलिए आजकल जो गलो गली और रस्तो रस्ती हम लोग गुरुओं को मान रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि गुरुओं की हजारों पहचान। जो गुरु परम तत्व की बात करते हैं वही साक्षात गुरु हैं। जो परमात्मा की बात करते हैं और परमात्मा ही के ओर आप उठाते हैं वही गुरु हैं। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं वो गुरु हैं। जो अपनी वाणी का रुपया लेते हैं वो गुरु कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाणी परमात्मा से आई हुई बहुमूल्य चीज है, इसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते। जिस दिन आप इसकी कीमत दे सकें, ये परमात्मा की चीज नहीं है। आप परमात्मा को बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। याद रखिए, आज हम लोग इस तरह के हजारों लोगों के सामने खड़े हैं जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। इससे बढ़ के अधमता और नीचता संसार में कुछ भी नहीं। परमात्मा के पांव के ठोकर के बराबर भी संसार का कोई सा भी सामान, कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी चीज घर हो तो उसे हम मान सकते हैं कि हम परमात्मा को देख। जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे, बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके, और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं, तो आप कैसे परमात्मा की बात करें। मैंने तो ये त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो ये छोड़ा। मैंने उनसे कहा कि वाकई अगर तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर भी, उसके कणों के भी बराबर है, तुम उठा के लो, लेकिन तौलना बराबर। इधर उधर देखा उन्होंने, ये वो देखा, उसके बाद सच पका गया। मैंने कहा क्यों, ये चीज नहीं मिली, यानी उसके बराबर तो कोई नहीं। फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेटे, तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काषाय वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुड़ा करके और दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो, क्या छोड़ा तुमने, यही पत्थर, ये मिट्टी। असल में सहयोग इसीलिए घर गृहस्थी में बैठे हुए साधारण लोगों में ही पला, जो अपने झंडे गाड़ते हैं उनमें कभी भी सहयोग नहीं आता। जो लोग सहज सरल भाव से रहते हैं, परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य में, उसके आनंद और सुख में सहज से प्रेम पूर्वक रहते हैं, ऐसे ही लोग, ऐसे ही मध्य स्थिति के लोग परमात्मा को पाते। गुरु का मतलब अब आपको समझना चाहिए कि जो लोग काषाय वस्त्र पहन करके पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग कभी भी गुरु नहीं। जिनके पास टूटी हुई साइकिल थी और आज इम्पाला में घूम रहे हैं वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते। जो आदमी परमात्मा को पाया हुआ है वो चाहे जमीन पे सो जाए और चाहे वो महलों में सो जाए, आराम से। इसके लिए जनक राजा का मैं आपको एक उदाहरण, जनक राजा के पास में नचिकेता करके एक बड़ा भारी आर्क गया था। पहले तो वो शंका से व्याकुल था, उसने अपने गुरु से कहा कि ये एक गृहस्थ में है, ये राजा है, इसके यहाँ तुम क्यों जाते हो, इसके आगे तुम क्यों झुकते हो, इसके चरण क्यों छूते हो, ये तो एक गृहस्थी आदमी है। तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा तुम राजा जनक के यहाँ जाओ और उनके हाथ, आप जानते हैं कि उनको विदेही कहा जाता है, देहाती। नचिकेता जब उनके साथ जाके रहा, उसने देखा कि इतना ऐश्वर्य है, इतना पैसा है,
लोग बाग खाना पीना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, राजा सब खाना खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बाल बच्चे हैं, ये आदमी कैसे हो सकता है परमात्मा को जाने। दूसरे दिन उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त मैं चला जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रहने का नहीं। उनका अच्छा चलो पहले नहाने तो चलो, नदी पे नहाने जाए। उनको अपने साथ सरजू नदी पर नहाने ले गए। नदी में नहाते वक्त एकदम से किसी ने आके बताया कि हे राजा तेरे तो घर में आग लगी, रजवाड़े में सारी आग लगी हुई। राजा जनक ने कहा कि लगने दो, अभी तो मैं ध्यान में हूँ। हंस के कहा, जरा घबराए। उसके बाद लोगों ने कहा कि सब तुम्हारे घर वाले भाग गए, आग तुम्हारी तरफ आ रही। तो उन्होंने कहा जाने दो, अभी तो मैं ध्यान में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई आग यहाँ तक आ गई, तुम्हारे जो बाहर आभूषण और वस्त्र पड़े हैं ये भी चले जाएंगे, वहाँ जो रक्षक थे वो भी भाग गए। तो ये नचिकेत जो अंदर नहा रहे थे उनके एक दो जो कपड़े बाहर पड़े हुए वो उन्होंने सोचा अगर ये जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा, तो भागे बाहर उन्होंने अपने कपड़े पकड़े। तो भी ये ध्यान में मत, जब ये लौट के आए उसको बड़ा आश्चर्य। तो उसने उनसे पूछा कि राजा आपको कोई चिंता नहीं कि आपके कपड़े आदि सब कुछ जल जाते और फिर आप क्या ऐसे ही घूम। तब उन्होंने कहा जो मिथ्या है वो मिटने ही वाला, तो कोई बचाने की ज़रूरत नहीं, जब तक है रहने दीजिए और नहीं है तो जाने। यही बात जो गुरु मिथ्या को मिथ्या नहीं समझते हैं उनके पास आप क्या ढूंढने जा रहे हैं। हमारे ससुराल में एक किस्सा है कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई बाराती आए और बारातियों ने कहा कि हमारे ये कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम दही बड़ा खाएं। बारातियों के ज़रा नखरे होते हैं और जाड़े के दिनों में लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जाड़े में दही बड़ा शाम के वक्त बनाया नहीं जाता, कब बस हम तो दही बड़ा खाएंगे, अब इसी वक्त लाइए आप दही बड़ा। तो एक बाबा जी वहाँ रहते थे, उनका पता चला, उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भाई आप किसी तरह से इंतज़ाम करो। तो कहे मैं मंगा तो दूंगा लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं। कहते ठीक है मंगा दीजिए। उन्होंने एक खिड़की बंद कर ली, दूसरी खिड़की बंद कर ली, दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद कहा कि देखो आगे आपका दही बड़ा खाई। वहाँ सब दही बड़े आ गए, लोगों ने दही बड़ा खाना शुरू कर दिया, बड़े खुश हुए। बाबा जी भाग, रातों रात बाबा जी जान बचाकर भाग। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्यों भागे। दूसरे दिन सवेरे वहाँ मांग लोग होते हैं, एक शूद्र जाति होती जो आती है और खाना वाना सब बटोर कर ले जाए। वो आए और उन्होंने देखा बर्तन वगैरह को, कहने अरे हमारे कुल्हड़ कौन उठा के लाया, फिर तो हमारे कुल्हड़ थे ये कौन उठा के लाया। वो जो विवाह था संपन्न तो हुआ था, इससे लड़की विदा हो गई, नहीं तो कोई लड़की को भी विदा नहीं कर। वजह ये थी कि सब लोग बहुत नाराज़ हो गए, कहने लगे कि ये कौन लेकर के आए, हमारे पूर्वजों में समझ लीजिए हमारे पिता के ही थे, लोग इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते थे। इसे भानामती कहा जाता था महाराष्ट्र में पहले। ऐसी चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऊपर से कुछ चीज़ चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए। अब क्या परमात्मा को कोई और धंधा नहीं दही बड़े खिलाने के सिवा? आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को दही बड़े खिलाने का ही उनको एक धंधा बचा हुआ। जब आप किसी को इसलिए गुरु बनाते हैं कि वो आपको 200 रुपया पकड़वा देते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे ही दाता लोग घर हैं तो इस देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दीजिए, सबको दीजिए। घड़ियाँ मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से बनी हुई, एक भगवान से बनी हुई घड़ी मंगा दें तो मान ले बा। इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहते हैं, उसी परम को पाना चाहते हैं, पर आपकी भी तो खोज इन्हीं जड़ वस्तुओं में, इन्हीं पत्थरों में है, इसीलिए आप इन लोगों को गुरु मान। रुपया भी जाता है, पैसा भी जाता है, जब आपका सब पैसा निकल जाता है तब आप मेरे पास आते हैं। कल ही एक स्त्री आई थी, आपने देखा था किस तरह से नाच रही थी, कूद रही थी। मैंने कहा आप क्यों आई भाई? कहने लगे क्या करें आप तो हम ऐसे हो गए। मैंने कहा अच्छा है, लोग पागल तुम्हें बनाए और पागल खाना मैंने खोल रखा। तुम वहाँ क्या खोजने गई? क्या नाचने कूदने से परमात्मा मिल सकता है? हमारे मानव के जितने भी कायदे कानून बने हैं उसमें उन लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य कितना घृणित हो सकता है। जिन्होंने भी बनाए बहुत शालीन और अच्छे शुभ लोग थे, उन्होंने उस घृणता को और उस दुष्टता को पहचाना ही नहीं कि मनुष्य अंदर से कितने गंदे कामों में फंसा हुआ। अगर वो लोग जान जाए तो नए कायदे बनाने पड़ेंगे,
इन लोगों को सबको पकड़ने के लिए। ईसा मसीह को तो इन्होंने उठाकर सूली पर चढ़ा दिया, वो आसान था, लेकिन इन लोगों को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता जो रात दिन आपसे रुपया खसोट करके और आप लोगों का सर्वनाश करने पर लगे हैं और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए। कभी आप लोग इधर भी आंख उठा कर और सोचिए कि ये क्या है, परमात्मा के नाम पर जड़ वस्तुओं को बांटना, कहाँ की भलमानसियत। आप भी क्या कभी सोचते नहीं, कलयुग में तो मैं सोचती हूँ कि मनुष्य के पास इतनी प्रगल्भ बुद्धि है, इतनी उसके अंदर सूझबूझ है, क्या वो सारी अपनी बुद्धि को बेच खाता है कि वो समझता नहीं कि ये एक तरह का मेस्मरिज्म है और एंटाइटमेंट है जिसकी वजह से हम ऐसे पागल जैसे उसके पीछे भाग रहे और अपने अंदर झूठे बिल्कुल मिथ्या ही विश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांति में बैठे हुए हैं, अपने से भी बुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी बुलावा कर रहे हैं। जब आप रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं कि आप रियलाइज, इसमें आप में एक दर अंदर से शांति है। मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरु हैं और 30-30, 40-40 साल में हार्ट अटैक आकर के लोग मर जाए। असंभव की बात है अगर आप में रियलाइजेशन का ज़रा सा भी तत्व एक बार जाग उठा है तो हार्ट अटैक तो क्या कोई एक्सीडेंट भी होना मुश्किल है। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे अंदर है कि छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई, जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट दी और वो पार बच गया। आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए, अगर दिव्य नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन क्या। अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितने ही पार हुए हैं कैंसर तक की कर, कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेष हमारे ख्याल से बात नहीं, सिर्फ यही है कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर करने में, उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आनंद आपने पाया है वही आप चाहते हैं कि सब पाए। सहज नहीं है, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें लोगों को खिला पिला। ऐसे ही रियलाइज सोल भी चाहेगा मन में कि दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते। अगर आपके अंदर लाइट आई है उसके लिए कसम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध। लेकिन कस्तूरी की खोज है कि ये पहले अंदर सोच लीजिए, नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई ज़रूरत। एक साइड में तो हमारे ये लोग हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस से खेल, हमारे जड़ चेतन से, हमारे पास से खेल रहे। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, इस खोज में मैंने बहुत गुरु घंटालों को देखा और सबसे मैं हथकंडे जानती हूँ कि ये क्या क्या दशा करते हैं और किस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए आपकी कुंडलिनियों का सत्यानाश करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आपके पिछले जन्म की बातें बता रहे, उसी से आप अभिभूत हो जाते हैं। किसी ने कह दिया मैं तुम्हारा पति था, एक की मेरे पास आई कहने माता जी मैंने उनको अपना सर्वस्व दे दिया। मैंने कहा क्यों क्यों लिया तुमने, कहने मेरे से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पति। मैंने कहा तुम्हारा पति बड़ी पातिव्रत्य है तुम्हें, अगर ऐसा ही पातिव्रत्य है तो जो मर गया पति उसके लिए तो तुम इतनी मरी जा रहे हो और जो तुम्हारा पति आज जीवित है उसका क्या हाल, उसके प्रति कोई पातिव्रत्य नहीं, और ये जो एक पैसा खाओ वहाँ बैठा हुआ है उसको तुमने सारे जेवर दे दिए क्योंकि उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हारा पति। फिर कोई कह रहे थे कि ये साहब हमसे कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार हम परमेश्वर। अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता, झूठ बोलने में तो हम लोग पक्के माहिर हैं, कोई सी भी झूठ बोल दीजिए इसको साइकोलॉजी में स्टिग्मा पहचान लेते हैं। आप पढ़ें सर साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इनका पता लगाया है, नहीं लगाया ऐसी बात नहीं, बड़े चोर लोग खड़े होकर के जो चाहे तो अंटशंट बकने लग जाते और लोग उसे विश्वास करने लग जाते। ऐसा बाइबल में भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से संसार में आए संभल के रहिए, कहने लगे हम भगवान। अरे भाई भगवान है तो उसकी कोई शक्ति भी तो होती है। एक महाशय जी मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि आपके पास में इतनी औरतों का जमाघट क्यों भाई, आप दरवाजे बंद बंद करके ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम पर ये काम क्या कर, क्योंकि किसी स्त्री पर बहुत उन्होंने
अत्याचार किया था, मुझे आकर प्राइवेट नहीं बताती। मैंने कहा तुम कोर्ट में जाके बताओ, ये आदमी पकड़ा जाएगा, हम कोर्ट में कैसे बताएं, हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, हमारी इज्जत है, हमारी फैमिली है। तो मैंने कहा जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती तो इसका कैसे पार हो। तो वो महाशय से जाकर जब मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा पाप धो रहे हो, क्या तुमको इससे मिलेगा परमात्मा के नाम, तो उससे कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा वाह भाई, शकल तो आपकी भूत जैसे और आप श्री कृष्ण बने, आप श्री कृष्ण कैसे हुए। मैंने कहा श्री कृष्ण को आप कितना जानते हैं, जिसने 5 साल की उम्र में कालिया का मर्दन किया था उसके सर पे चढ़ के, वो कहा। मैंने कहा मैं आपकी दाढ़ी ऐसे नोच लूँ तो अभी उठ नहीं सकेंगे। मजाक ही में मैंने कह दिया, बाद में सुना था किसी ने उनकी दाढ़ी आधा घंटा पकड़ी रही थी, वो हिलते रहे वैसे। मैंने तो यही कह दिया ऐसे श्री कृष्ण पैदा होने लग जाए। दूसरे साहब कहने लगे कि मैं औरतों को इसलिए नग्न करता हूँ क्योंकि कृष्ण ने औरतों को नग्न किया। बताइए कहाँ की बेवकूफ़ी की बात है, श्री कृष्ण 5 साल की उम्र में बच्चों जैसे उनकी लीला थी, औरतों के साथ में उनको क्या नग्न, और 5 साल का बच्चा उनसे बहुत गहन अर्थ, वो तो सहज योग लीला कर रहे थे। 5 साल के बच्चे के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा उसको सब ये समझता था, 5 साल के भी नहीं थे उससे भी छोटे थे। तो मैंने उनसे कहा अगर यही बात की तो काहे के लिए द्वारिका में बैठे हुए वो द्रौपदी के वस्त्र हरण के वक्त में दौड़े गए थे वहाँ, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे, क्यों सिधारे, क्यों सिधारे थे, अगर उनको स्त्री की पवित्रता का कोई ख्याल नहीं था। तो ये आप जवाब दें। इस पर वो श्री कृष्ण जी चुप हो, कहाँ तो एक उंगली पर गुरु को पकड़ने वाले वो श्री कृष्ण, और आजकल हर एक गली में और बाजार में मिलते हैं, जहाँ जाइए वहाँ एक श्री कृष्ण है, एक शिव जी भगवान। कहाँ शिव जी भगवान, कहाँ श्री कृष्ण। कुछ आपकी बुद्धि बच गई है या नहीं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य होता है कि मनुष्य जो कि बुद्धि की इतनी प्रगल्भता में पहुँच गया, जिसको परमात्मा ने सारी ही बुद्धि के आवरण खोल, ऐसे मनुष्य के बुद्धि में धर्म के मामले में इतना पर्दा था। अपने ही देश में नहीं है, उसकी तो बात यह है कि परदेश में भी इस कदर अंधकार। एक वहाँ योगी जी पहुँचे हुए थे, उनके शिष्य हमसे मिलने आए, वो हमारे सामने आए, देखते क्या उनका आज्ञा चक्र और नाभि चक्र दोनों को गोल घुमा दिया और वो भजन गा रहे हैं। उन्हें उल्टा घुमाने का मतलब है आदमी जो पागल होता है, अब आप जब पार हो जाए तो आप भी देखिएगा, जब आदमी पागल हो जाता है तो उसका आज्ञा चक्र और नाभि चक्र उल्टा घूम। ये सब प्रेत सिद्धता स्मशान सिद्धता हमारे देश में भारतवर्ष में पुराने जमाने से चली आ, उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी और ये ज़रूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में उधर ध्यान नहीं, इसको मराठी में भी कहते हैं कि करणी, ये जो देवियाँ एवियाँ आती हैं किसी के बदन में और हम लोग उनको कुंकू लगाने जाते हैं, उनके अंदर भूत आते हैं हमें समझ में क्यों नहीं आते, ये सब प्रेत विद्या और स्मशान विद्या है, इसका भी एक बड़ा भारी साइंस है, उस पर भी मैं कभी चाहे तो बताऊंगी आपको, पर आज दत्त महाराज के चरणों में खड़ी हूँ। इसको भी जान लेना चाहिए, ये सब महामूर्खता के लक्षण हैं जो हम ऐसे दुष्टों के हाथों में अपने को बेचें, कम से कम अपनी बुद्धि को सही रखें, थोड़ा सा झटक के सोचें। जब कभी भाषण में आप जाएं तो आप सोचें कि आदमी बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, इसका बोलना और करना इसमें अंतर वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता, इसको आप समझ। अभी हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और कल हम लपकें संसारिक चीज़ों के पीछे में, तो हम कभी भी वैसे हो नहीं, यानी संसार को